अरे इधर देखो, छोड़ो ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ से कोई सैटेलाइट क्या करी जाती है, लॉन्च करी जाती है, तो सैटेलाइट वापस गिरती तो है नहीं सरफेस पे, है ना। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट क्या है, क्या फ्री फॉल मोशन है? सर वहां से चांस नहीं होते गिरने का, कहीं नहीं चांस। देखो अगर मान लो ठीक है, इस चाक को हम छोड़ते हैं तो चाक क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉल मोशन। लेकिन जब सैटेलाइट यहाँ से भेज देते हैं तो सैटेलाइट क्यों नहीं गिरती है? तो दो आंसर आते हैं ना, जैसे कह रहे हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाए, है ना, ये गलत जवाब है। ठीक है, जो सैटेलाइट है वो लगातार गिरती है, ठीक है, दैट इज अ फ्री फॉल मोशन। जैसे जैसे ये गिर, अगर चौक छोड़े तो गिरेगा, गिर के सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन गिरने के बावजूद वो गिर नहीं पाती है। देखो क्यों है, अभी बात समझो। देखो क्या है, एक्चुअली क्या है, सपोज ये अर्थ है, हाँ ठीक है, कैमरा उधर पड़ जाता है ना। तो देखो ये मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, सपोज ये अर्थ है। अब अर्थ के अराउंड में, ठीक है, जो अर्थ के अराउंड में यहां पे कोई सैटेलाइट है, सपोज ये सैटेलाइट का क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है, ये सैटेलाइट क्या कर रही है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, सपोज हमने मान लिया सर्कुलर ऑर्बिट है, जबकि जो अर्थ है अराउंड द सन जब रिवॉल्व करता है तो वो सर्कुलर नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है ना। ये सारी बातें होंगी, लेकिन अभी हम सर्कुलर ऑर्बिट मान के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे कोई सैटेलाइट आपकी है, सपोज ये आपके सोलर पैनल होंगे, इस तरह से ना स्पेस में सोलर पैनल होंगे, कुछ एंटीना होगा, ठीक है, इस तरह से ये रिवॉल्व कर रही है, सोलर पैनल रिवॉल्व कर रही है। तो होगा क्या कि जो ये सैटेलाइट होती है, अगर ये अर्थ नहीं होती है ना, अर्थ इसको अट्रैक्ट करके ना रखती, तो ये सीधे जो है सैटेलाइट यहां से सीधे चली जाती, ठीक है, क्यों, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी चीज पे फोर्स नहीं लगाते, नेट फोर्स अगर जीरो है ना, तो वो क्या होगा, उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ये गारंटी करता है ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन रहेगी। अगर डायरेक्शन नहीं बदलता है तो ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, सीधे चलती चली जाएगी। और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो न तो स्लो होगी और न तो फास्ट होगी, सीधे चली जाएगी। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट ये कि सैटेलाइट यहां होनी चाहिए थी लेकिन यहां नहीं होती है। जो अर्थ है इसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये कहां होती है, यहां पे होती है, फिर से ये बात समझ में आया ना। तो दैट इज द लोकेशन ऑफ सैटेलाइट। इसका मतलब कि सैटेलाइट इतना हाइट फ्री फॉल करी है, इतना हाइट गिरी है, जैसे हम चाक छोड़ते हैं, चाक गिरता है सरफेस पे आ जाता है, सेपरेशन जीरो हो जाता है, लेकिन ये गिर गई यहाँ पे, यहां आने के बाद फिर ये टेंजेंशियल इसका मोशन है, फिर ये सीधे चलेगी, और इधर होती कहीं यहां होती, लेकिन अर्थ ने इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब फिर वो कहां पाई जाएगी, एक्चुअल लोकेशन उसकी यहां पे है, मतलब फिर से इतना क्या करी, फ्री फॉल हो गई। इसका मतलब ये गिर तो रही है लेकिन गिर के भी सरफेस पे नहीं गिर पा रही है। तो इसको एक ऐसे ऑर्बिट में सेट कर दिया गया है, किसी ऑर्बिट में सेट करना नेसेसरी नहीं है, उस ऑर्बिट में पर्टिकुलर वेलोसिटी भी देना पड़ता है। हाँ किसके साथ, हाँ प्लैनेट के साथ, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया और वहां पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दी गई। अब जब वो वेलोसिटी अचीव कर लेगी सैटेलाइट तो वो फॉल करेगी, लेकिन वो उसका फ्री फॉल कंटिन्यूअस फ्री फॉल होता रहेगा, लगातार गिरती रहेगी, लेकिन गिर के भी इसी ऑर्बिट में रह जाएगी, इससे ये सरफेस पे नहीं आएगी। तो जो पहला आप लोगों का था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चली जाती है, गलत है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी लगा रहता है, तभी अट्रैक्ट करके खींच लेता है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में रहती है हमेशा। ये बात समझ में आया ना, जैसे अर्थ जो है किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ये भाषण में है। और जितनी हम लोग मैनमेड सैटेलाइट भेज रहे हैं,
वो अर्थ के है ना, बहुत सारे हमने सैटेलाइट भेजा है जो मून पे, मून का भी चक्कर लगा रहा है, और भी हमने भेजा है जो मार्स का चक्कर लगा रहा है। तो जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में चला गया वो वहां पे सेट कर दिया गया पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो भी फ्री फॉल वहां कर रहा है, लेकिन गिर के अभी सरफेस पे गिर नहीं पा रहा है। ये बात समझ में आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि वहां पे यहाँ पे कोई एटमॉस्फियर हो जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा हो, मतलब इसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो गई। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब कि अब उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम बदलने वाला नहीं है। क्यों? अगर ये एटमॉस्फियर के अंदर होती तब तो बदलता, फ्रिक्शन उसकी एनर्जी को नॉन डिसिपिएटिव फोर्स हो जाता है फ्रिक्शन, वो उसकी एनर्जी को क्या करता, कन्वर्ट कर देता, साउंड में हीट में कन्वर्ट करता। जैसे देखो कल्पना चावला जब एंटर करी थी एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था उनके स्पेस का, जिसकी वजह से जला है ना, जो है ना। इसका मतलब कि इतना ज्यादा फ्रिक्शन जो होता है, जो एयर फ्रिक्शन होता है, एयर ड्रग्स होता है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है कि टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। मतलब उस समय जब लोग स्पेस से अंदर आते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो इसी एयर को इस्तेमाल करके, फ्रिक्शन को इस्तेमाल करके अपनी स्पीड क्या कर लेते हैं, एक हवाई जहाज की तरह कर लेते हैं। वरना अगर एटमॉस्फेयर ना रहे तो फिर उनका स्पीड इतना तेज होता है तो रुकेंगे ही नहीं, फिर इधर से उधर चले जाएंगे। फिर ये बात समझ में है ना। तो इसी एटमॉस्फेयर को यूज करके कई राउंड अर्थ का लगाते हैं, लगा के स्पीड स्लो डाउन करते हैं। स्लो डाउन करते इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी घट गई, और काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करी है तो कोई ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, कि काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हुई तो कोई ना कोई वर्क किया। वो कौन वर्क किया? फ्रिक्शन फोर्स, जो एयर फ्रिक्शन है, जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन नाम नहीं लेते हैं वहां पे, क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गया ना, वो काम करता है इसी तरह से। तो जो सैटेलाइट का मोशन है वो फ्री फॉल मोशन है। अब दूसरा फैक्ट, अगर किसी चीज को एक कर्व्ड पाथ पे चलना है ना, जैसे आपको साइकिल या बाइक मोड़नी है टर्न पे, आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। इसका मतलब कि या तो आप कंप्लीटली सर्किल पे घूमी है, या एक मोमेंट के लिए सर्किल पे रह जाइए। मान लीजिए कि ये यहां से सैटेलाइट यहां तक आई, तो ये सर्किल पे मूव करी ना थोड़े मोमेंट के लिए, तो इसको एक फोर्स चाहिए, जो जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स, फोर्स ऐसा जो सेंटर की तरफ लगा हो। जैसे अगर हम कोई पकड़ के कोई चीज ऐसे घुमाए तो टेंशन फोर्स क्या काम करेगा? सेंट्रीपिटल का। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे हैं और हमने क्या किया कि यहाँ पकड़ के किसी चीज को हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर ये इस, ये जो ऑब्जेक्ट एम मास का है ये सर्किल पे घूम रहा है, इसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि एटलीस्ट डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड भले ना चेंज हो रहा हो, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ये बात समझ में आया ना। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व है, और वो फोर्स कौन है? ये आदमी इस रस्सी के थ्रू किधर लगा रखा है? टेंशन। तो टेंशन यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ये बात समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे कौन सेंट्रीपिटल काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल काम कर रहा है। जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अराउंड में सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, यहाँ पे कौन सा फोर्स? हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक जॉब हो गई, जो कौन कर सकता है? ग्रेविटेशनल भी कर सकता है, टेंशन फोर्स भी कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कर सकता है, और जब आप चौराहे पे साइकिल को या बाइक को मुड़ा रहे थे तो फ्रिक्शन कर रहा था, फ्रिक्शन भी कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वो सर्किल पे घूमता है, तो अगर वो सर्किल पे घूमता है चार्ज पार्टिकल, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जॉब है वो मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है, कर कोई भी रहा हो, है ना। सेंट्रीपिटल का काम, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसे हम हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम वी स्क्वायर बाई आर, that is called the centripetal force। अब अगर ये gravitational force काम कर रहा है तो इसे gravitational force से क्या कर देंगे? Equate कर देंगे। और अगर ये electrostatic force काम कर रहा है तो इसे किसे compare कर देंगे? Electrostatic से। अगर ये friction force काम कर रहा है तो इसे friction force से replace कर देंगे।
अगर ये टेंशन काम कर रहा है तो इसे टेंशन से रिप्लेस कर देंगे, जो जॉब कर रहा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये सिंपल सी थिंकिंग हो गई। क्या क्या, जो सर्कुलर मोशन अगर करवाना है किसी ऑब्जेक्ट का तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ में आया ना? अब वो सेंट्रीपेटल कौन सा फोर्स काम कर रहा है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक होता है कि मौत के कुएं में जो बाइक चलाते हैं सब इस तरह से, है ना, उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, किसका, सेंट्रीपेटल का। तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक नया फोर्स नहीं है, ये नई जॉब है एग्जिस्टिंग फोर्सेस के लिए, जो हमारे फोर्स नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सारे एग्जांपल हमने दे ही दिए लगभग, है ना, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब क्या कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है। ये बात समझ आ गया ना? तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है किस स्पीड से मूव कर रही है ये हम लोग निकालेंगे, है ना। तो हेडिंग तो डाल ही चुके हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब देखिए डेरिवेशन बहुत सिंपल होता है, तो देखिए हमने कह दिया है, डायग्राम बना लेंगे हम लोग। सपोज ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका क्या हो गया, दैट इज द ऑर्बिट। किसकी ऑर्बिट है, सैटेलाइट की है। और हमने कहा कि अगर सैटेलाइट यहां पे है, सपोज सैटेलाइट यहां पे है, सर्किल पे चल रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। सैटेलाइट पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ फोर्स लगा रही है, ठीक है, से ये एफ ग्रेविटेशनल है। तो हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल और किस वेलोसिटी से घूम रही है, मान लीजिए ये जो सैटेलाइट है इसका मास m है और कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी v लिख दे रहे हैं, o सफिक्स फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किससे डिनोट करते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम मास का ऑब्जेक्ट, है ना, एम मास का ऑब्जेक्ट वी नॉट वेलोसिटी से आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसका तो जो ऑर्बिट का रेडियस है हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। ये बात समझ में आ गया? अब ये किसके इक्वल हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन आर का स्क्वायर, है ना। अब बताइए कुछ कटा, मास कट गया, एक आर से आर कट गया। इसका मतलब कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर हो गया। अच्छा, इस आर को अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, इतना तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, है ना, और ये सरफेस से हाइट हो गई कि सरफेस से कितनी हाइट पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, और ये कैपिटल आर ई हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए जी एम ई आर ई प्लस एच। ये ध्यान रहे कि एच कहां से हाइट है, सरफेस से हाइट, तो दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, इन टर्म ऑफ ग्रेविटी लिखते हैं ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब बताइए जी की वैल्यू हम लोग क्या जानते थे, जो सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है ये जी एम ई अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। तो बताइए जी एम ई को क्या लिख सकते हैं, जी एम ई को आप लिख सकते हैं जी आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, ये अंडर रूट पूरा ही है ना, तो यहाँ जो जी एम ई लिखा हुआ है therefore या thus जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई वो क्या दिख रही है, जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, लेकिन अगर हम मान लें कि ये जो सैटेलाइट है अर्थ सरफेस के काफी नजदीक है, काफी नजदीक होने का मतलब कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में वो बहुत कम है। जैसे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, और मान लीजिए आपने सैटेलाइट 1 किलोमीटर ऊपर जाके टांग दिया है आपने, या मान लीजिए कि
पांच किलोमीटर ऊपर कर दिया है, तब भी तो 6405 किलोमीटर बहुत डिफरेंस है, ये बात समझ में आए ना। तो हम कहेंगे कि ये हाइट क्या है, हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो उस समय है ना, तो फार जो सरफेस के काफी क्लोज है, ठीक है, उसके लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी वो आर ई प्लस एच को आर ई के इक्वल कर देंगे, है ना, दैट इज जी आर ई का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख दे, आर ई लिख दे। लेकिन ये ध्यान रहे कि किसके लिए काम कर रहे हैं ना, ये जनरल है, ये सबके लिए है। लेकिन इसके बाद हमने ये जो नीचे वाला रिजल्ट लिखा है कि जो ये आर ई प्लस एच है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो, तब हम ऐसा करेंगे। इसका मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, रूट जी आर ई। इसका मतलब जो अर्थ के क्लोज सैटेलाइट्स है उनकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, हमें जी की भी वैल्यू पता है और रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, तो वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। तो बताइए, ये तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है ना, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, दो सैटेलाइट विच आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ये क्वालिटेटिव बातें हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव सोचिए कि एक किलोमीटर दो किलोमीटर ऊपर है, तब के लिए हम लोग लगाएंगे, है ना। तो हम जी की वैल्यू रख दें, कितना जी की वैल्यू होती है, 9.8 होती है ना, तो 9.8 हो गया, और रेडियस 6400 किलोमीटर है, मीटर में रखेंगे सब कुछ एसआई में रख रहे हैं, तो 6400 तो किलोमीटर है, मतलब 1003 है ना। तो देखो ये हटाएंगे डेसिमल तो 1 10 आएगा, कटेगा कितना जाएगा, तो देखो यहाँ पे हो गया 2 2 100 बाहर आ गया, 64 का 8 बाहर आ गया, सोच रहे हैं ना, और 98 का 49 बाहर आ गया 7 1 के, लेकिन अंदर कौन फंस गया, रूट टू, तो 7 8 56 100 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई फॉर दोज सैटेलाइट विच आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। नोट कर, वेरी क्लोज का मतलब एकदम बीच में आ गया, तो घटिया डायग्राम बन रहा है, जैसे कि तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है जिसका मास m है और v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी से, अब इसके पास दो काइंड की एनर्जी होगी, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, मोशन है इसके पास, तो ड्यू टू मोशन इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और चूंकि ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो इसको यहां पहुंचाने में कुछ वर्क किया गया होगा, वो जो वर्क है वो इसके अंदर स्टोर हो गया होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आया ना, क्योंकि कॉन्फिगरेशन को चेंज किया गया, पहले ये सरफेस पे था, अर्थ सरफेस पे, और इसको वर्क करके वहां पहुंचाया गया है, तो दैट हैव टू काइंड ऑफ एनर्जी, काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो पहला हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू क्या होता है, ये हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम और वी मतलब वी नॉट का स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, नहीं अभी फॉर्मूला निकलवाए थे हम, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, वो तब लगता है जब अर्थ सरफेस है ना, जब जी की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो यू हो जाएगा माइनस जी मास ऑफ एम वन एम टू होता है, तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट है, अपॉन आर, आर मतलब जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है, ये पूरा आर लिया जाएगा ना यहां से, तो ये हो गया काइनेटिक और पोटेंशियल हो गया, ठीक। लेकिन इसमें वी नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी यू ही लिख दे रहे हैं, हम लोग जानते हैं अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर, ये किसके इक्वल था, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल था, मतलब जी एम एम बाई क्या था, मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर के, एक कट गया, बस समझ आ गया। इसका मतलब एम वी नॉट स्क्वायर को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, जी एम ई एम अपॉन
आर लिख सकते हो, ये बात समझ में आया ना। तो मान लीजिए पहली इन्फॉर्मेशन थी ये, और ये क्या था, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया है सेकेंड पार्ट। तो यहां लिख दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां से हम ये थर्ड रिलेशन मान लीजिए आपके पास हो गया, इससे आपने काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, री मैनिपुलेट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ और एम भी स्क्वायर, यहां पे क्या लिख दें, जी एम ई एम अपॉन आर। तो जी एम ई एम अपॉन आर, ये बात समझ में आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी तो आपको दिख ही रही है। अब ये बताइए कि जो ये वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी, इसका अगर आधा कर दे, 1/2 कर दे, तब तो ये आ जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में आ गया, निगेटिव साइन, साइन क्या है, निगेटिव। तो यहां से एक बात याद रखना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये याद रखना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां माइनस साइन है, ये बात समझ में आया ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ये बात समझ में आ गया, तो ये याद रखने वाली बात है। अब तीसरा बचा क्या, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं, ये याद रखने के लिए ना, रिमेंबर। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हाँ मैकेनिकल एनर्जी ई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक कितना आ गई है, हाफ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है ना, जी एम ई एम अपॉन आर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, क्या कॉमन हो रहा है, हाफ माइनस वन, जी एम ई अपॉन आर कॉमन हो रहा है ना, जी एम ई एम अपॉन आर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या हाफ बच गया, और यहाँ पे माइनस वन, तो हाफ माइनस वन माइनस हाफ आ जाएगा, तो माइनस हाफ आ गया। अब इसका जो आपका आया है, ये किसके इक्वल आ रहा है, जी एम ई एम अपॉन आर। तो यहाँ दो बातें हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई टोटल ई, तो दो बातें हैं। यहां से पूछा जाता है निगेटिव साइन का क्या मतलब है ना, तो मीनिंग ऑफ निगेटिव साइन, ठीक है, पहले नोट कर लो इतना, फिर लिखो। सर वो क्या लिखे आज, तो देखिए इसका मतलब फाइनली हम लोगों ने जो रिजल्ट देखा, अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करिए, डिराइव कर देंगे, पोटेंशियल करेगा वो भी कर देंगे, मैकेनिकल का कहेगा वो भी कर देंगे, है ना। और याद डायरेक्ट रखने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैकेनिकल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है ना, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है, और दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का क्या होते हैं, हाफ होते हैं, ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन इन मैकेनिकल एनर्जी, सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन, सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन इन मैकेनिकल एनर्जी। निगेटिव साइन, हाँ उसमें लिखो, हाँ बस हेडिंग हो गया, निगेटिव साइन गिव्स अस इंफॉर्मेशन, गिव्स अस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सैटेलाइट बाइंड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, बाइंड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इट डज नॉट एस्केप, बाइंड मतलब बधी हुई है, उसे निकलेगी नहीं। जैसे हम लोग अपना पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो भी निगेटिव आएगी, तो हम लोग बाइंड है अर्थ सरफेस है ना, इट डज नॉट एस्केप अनलेस वी प्रोवाइड
energy which have magnitude, equal to mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी ठीक है। तो देखिए, अगर आप इसको इस सैटेलाइट को आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, कितने की, इतने की, और प्रोवाइड कर दी किसी भी तरह से, तो इतना एनर्जी मिलते ही इसका टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब ये एस्केप कर जाएगी अर्थ सरफेस से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, इसका मतलब ये इनफाइनाइट चली जाएगी या ये एस्केप कर जाएगी। ये बात समझ में आ गया ना? तो कई बार क्या होता है कि अगर हमें ऑर्बिट बदलना होता है, कई बार जरूरत पड़ती है ऑर्बिट बदलने की, तो इसमें ऑलरेडी प्रोपेलर्स लगे रहते हैं सेटेलाइट में। जब सेटेलाइट डिजाइन करी जाती है तो उसमें फ्यूल और प्रोपेलर्स रहते हैं ना। तो सिचुएशन कैसे आती है, पहली सिचुएशन जैसे दो सैटेलाइट रिवॉल्व करते करते एक ही रास्ते में आ जाए, टकराते बचे, मान लो एक ऐसे रिवॉल्व करके आ रही है, पता चला टकराने वाली है, तो वो पहले से पता चल जाता है कि टकराने वाली है, तो अपनी ऑर्बिट दोनों कंट्रीज जिसकी टकराने वाली है कोई एक्शन ले लेता है ना, तो प्रोपेलर्स स्टार्ट करता है, तो ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाती है ताकि वो बच जाए, कोलिजन बच जाए। एक तो ये काम हो गया। दूसरा समस्या क्या है कि आजकल सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट भेजी जा रही हैं कि उनके अंदर ऑलरेडी है ना इक्विपमेंट रहता है कि कोई मान लो यहाँ से मिसाइल टारगेट कर दिया है ना, यहाँ से आपके मिसाइल को क्या करना है, उड़ा देना है वहां पे, ताकि पूरा देश अंधा हो जाए एक तरह से, है ना, ताकि आपको पता नहीं चले कि आपको अपनी मिसाइल कहाँ डालनी है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंडिया वाले जो चाइना के सैटेलाइट हैं, ज्यादा ज्यादा 50-60 होंगी है ना, हम 50-60 मिसाइल हमारे लिए क्या है, उड़ा दिए उनके 50-60, अब वो हमें देख ही नहीं सकते नीचे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से मार रहे हैं उनको, क्योंकि सारा तो कंट्रोल सैटेलाइट से हो रहा है। तो ये जो वॉर है ये खतरनाक है। तो आज जो कंट्रीज है ये कैपेबिलिटी अपना क्रिएट कर रही है, वो इंडिया के पास है, चाइना के पास है, यूएसए के पास है, रसिया के पास है ना, तो इंडिया भी उसमें शामिल हो गया, पाकिस्तान आलू खरीद लो काफी है, ठीक है। तो समझ में आया ना, तो वो ये सिचुएशन, ये कैपेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो कल के लिए अगर चाइना हमारी उड़ाता है तो हम उनकी उड़ा देंगे, ठीक है, तो वो लेगा नहीं ऐसा एक्शन, हो सकता है कि वो उड़ाने की कोशिश, तो हमारा पैक किसके साथ है, अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका और हम दोनों लोग मिले उड़ा देंगे उसकी, हमारे एक दौड़ेंगे उनकी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कोई कंट्री एक्शन जल्दी नहीं लेगी। लेकिन अगर हमें मान लो पाकिस्तान का उड़ाना है तो हम थोड़ी सोचेंगे उड़ा देंगे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है नहीं, और चाइना उसके बदौलत आएगा नहीं, अगर चाइना आएगा तो उधर से अमेरिका एक्शन लेगा, ठीक है। तो कई बार होता है स्ट्रेटेजिक देखा जाता है सिचुएशन, इसीलिए कंट्री क्या करती हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग फंस गए थे कब, जब कारगिल वाला वार हुआ था, तो कारगिल वाले वार में हमारे पास, हमें सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ठीक है, अगर वो दी गई होती तो हमारे जो 2500 लोग मरे हैं वो नहीं मरे होते, है ना, वालों को दे दिया। हाँ, तो वो पाकिस्तान वालों को जानबूझ के नहीं दिए थे ना अमेरिका वाले, इसीलिए हम लोग ने अपना नाविक क्रिएट कर लिया, अब हम लोग कोई जरूरत नहीं अमेरिका की, है ना, अब हमारे पास उनसे ज्यादा एक्यूरेट, और हमें कहाँ वेपन डालना है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान दोनों के लिए पता है, क्योंकि इंडिया बाउंड्री छोड़ के 1500 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम कवर कर रहे हैं, ये लीगल है, इलीगल पूरा कवर कर रहे होंगे बताते नहीं है, ठीक है, तो लीगली जो बताते हैं कि हाँ चलो बाउंड्री छोड़ के 1500 किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं आपका, तो 1500 किलोमीटर हम अंदर जा सकते, तो कराची वराची अंदर चले गए, सब देख रहे हैं कहाँ कर रहे हो, क्या कहाँ कर रहे हैं, तो ये है। तो यही है कि हमेशा कंट्री क्या होता है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी आप क्या हो पाओगे, हाँ स्वतंत्र हो पाओगे, नहीं तो पता चला कि रसिया के भरोसे हो, रसिया हो सकता है, नहीं रसिया कब्जा नहीं कर लिया, रसिया मान लीजिए आपको हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है ना, ये दिक्कत, हाँ तो बेचेंगे ना हथियार, देखो ना अभी यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पूरे कंट्री दे रहे ना हथियार यूक्रेन को, मरो जाके अपने आदमी को मरवाओ, उसे क्या करना है, पैसा बाद में वसूल लेंगे सब, ठीक है। तो ये सब पूरा बिजनेस है, एनर्जी बेस्ड, एनर्जी चाहिए सर, क्या चीज, सैलरी आदमी तो वो हम ही देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, हाँ अब देखो आर्मी का रे भाई 4 लाख रुपया बढ़ा,
एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं ना, हाँ अब हेडिंग डालो एस्केप वेलोसिटी। हाँ 11.2 किलोमीटर नहीं बता रहे, सेटेलाइट को स्किप नहीं कराना है और सरफेस से ऑब्जेक्ट को स्किप कराना है, दोनों बातें अलग अलग है। अब इधर देखो, सपोज हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का मास सपोज एम ई है, रेडियस आर ई है, ठीक है रेडियस आर ई है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, इसका जो साइज है नेग्लिजिबल अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ है ना, 1 मीटर 2 मीटर या 10 मीटर 100 मीटर होगा, इससे ज्यादा क्या होगा ना। तो अब हमें क्या करना है कि इसको एक ऐसे वेलोसिटी से फेंकना है, ऐसे वेलोसिटी से फेंकना है ताकि ये वापस ना आए, है ना, ये इनफाइनाइट पे चली जाए। इनफाइनाइट पे जाने का मतलब कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दिस मास एंड अर्थ, ये इतनी दूर चली जाए, कोई इंटरेक्शन ना हो। इंटरेक्शन ना होने का मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर पॉइंट ए पे बात करें और ये जो इंफिनिटी पे पॉइंट बी है उसकी बात करते हैं, तो दोनों पे अगर हम इसको कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करते हुए जाएगा तो किसके अगेंस्ट वर्क हो रहा हो, कौन वर्क कर रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है ना, कंजर्वेटिव होने का मतलब ये आपके मैकेनिकल एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। इसका मतलब जो ए पे मैकेनिकल एनर्जी आपने दिया है वही उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, बी पे होगा। ये बात समझ में आया ना। तो हम कहेंगे क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हम क्या कहेंगे, ईए इक्वल्स टू ईबी हो जाएगा। ए पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी के मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को एक ऐसे वेलोसिटी से फेंकना है यहां से VE, जो ताकि ये एस्केप कर जाए। एस्केप करने का मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, देयर इज नो इंटरेक्शन उनके और इस मास और अर्थ के बीच में, है ना। अब हमने कहा कि सपोज किसी पॉइंट बी पे चली गई तो यहां पे जस्ट पहुंची है, पहुंच के मान लीजिए उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी बी पे और पोटेंशियल एनर्जी बी पे है कि नहीं, यू भी लिख दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए, और चूंकि इंटरेक्शन हो नहीं रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन ये तो बी की बात रही, और ए पे तो आपने काइनेटिक एनर्जी दी थी ना, वेलोसिटी वी दी थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जो ए पे काइनेटिक एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो ए पे पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम और वीई स्क्वायर, वी क्या हो गई, एस्केप वेलोसिटी हो गया, क्योंकि आपने ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करी है तो कि आपका काम बने, आपका काम क्या है, उसके एस्केप करवाना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, माइनस जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस, क्योंकि इनका सेपरेशन, इनका सेपरेशन किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो आर ई लिख दिया, ठीक। अब बताओ मास कॉमन हो गया, या इसको उस तरफ ले जाओ, है ना, तो एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एम एम ई अपॉन आर ई हो गया, मास कट गया। इससे ये पता चलता है कि आपको 1 किलो की चीज अगर स्केप करवानी है तो उतनी ही वेलोसिटी चाहिए, और 1 क्विंटल की करवानी है तब भी उतनी ही चाहिए, क्योंकि मास से इंडिपेंडेंट है, ये मास कटते ही हमें पता चला कि स्केप वेलोसिटी मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां से स्केप वेलोसिटी कितनी आ रही है, स्केप वेलोसिटी बिकम ये 2 उधर जाएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई, ये बात समझ में आ गया। तो एस्केप वेलोसिटी का ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। और अगर एक आर ई से नीचे ऊपर मंडलाई कर ले
तो ये स्मॉल जी के फॉर्म में आने लगेगा, है ना। या ये सोचिए कि जी एम ई को हम क्या लिख रहे थे, सिंस जो जी है वो जी एम ई अपॉन आर का होल स्क्वायर होता है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है, और ये ग्रेविटी की वैल्यू कहां पे है, और सरफेस पे। ये बात समझ में है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं जो जी एम ई है उसको क्या लिख सकते हो, जी इंटू आर ई का होल स्क्वायर। अब यहां रख दो तो देयरफॉर या दस जो एस्केप वेलोसिटी हो गई इट बिकम टू टाइम्स, है ना। अच्छा उस एक तो बात है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आई थी, याद रहना चाहिए, है ना, ठीक है, पूरा आया था। खैर यहां रख देते हैं, वैल्यू कितना आ जाएगा, टू जी आर ई का क्या हो गया, होल स्क्वायर अपॉन आर ई, आर ई कट गया तो क्या आ गया, अगर अंडर रूट टू अलग कर दे और जी आर ई अलग कर दे तो देखिए ये एस्केप, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आई थी, इसका मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है वो रूट टू टाइम्स क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी प्रूफ करने के लिए आपको आता है, है ना। तो एक प्रूफ हो गया ये वाला, प्रूफ करिए एस्केप वेलोसिटी टू टाइम्स अंडर रूट टू टाइम्स जी एम ए बाई आर ई होता है, या फिर प्रूफ करिए कि जो एस्केप वेलोसिटी है रूट टू टाइम्स क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और हम ये वैल्यू निकाल भी सकते हैं क्योंकि जी की भी वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, दोनों वैल्यू प्लेस कर दें तो जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से है, ये ध्यान रहे कि एस्केप वेलोसिटी हम कहां से निकाल रहे हैं, अर्थ सरफेस से। अगर अर्थ के हम ऊपर से एस्केप करना चाहते हैं, किसी सैटेलाइट से एस्केप करना चाहते हैं तो आसान है, है ना, वहां से आसान है एस्केप करना। और अर्थ के अंदर टनल करके अंदर चले गए यहां से एस्केप करना चाहते तो और डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए। ये बात समझ में आया ना। तो इसका मतलब तीनों केस अलग अलग हो जाएंगे। तो हम लोग को जो नॉर्मल केस पढ़ना है बोर्ड के लिए वो कहां, सरफेस से है। लेकिन कॉम्पिटिशन में जब जाएंगे तो दो केस और पढ़ लेते हैं हम लोग, कहां से, हाँ जमीन के अंदर से, फिर वहां पे यही काम करेंगे। ए पे मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और इन्फिनिटी पे मैकेनिकल एनर्जी, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। टेक्निक एक ही है, है ना, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। अगर किसी ऑर्बिट से एस्केप करना है तो वहां पे टोटल एनर्जी देख लीजिए और फिर बी पे इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा वो देख लीजिए, तब भी आपके पास है। तो तरीका एक ही है, है ना। लेकिन पढ़ते हम लोग बस नॉर्मल वाला है। सर अगर जमीन के अंदर से फेंकेंगे तो सर वेलोसिटी ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। ये बात समझ में आ गया ना, ये निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये जब देखो अगर वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का, हाँ तो वैल्यू अगर निकाले हम, टू जी की वैल्यू 9.88 रख देते हैं, रेडियस 6400 किलोमीटर, मीटर में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा, 10 जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, इसका ये दो जीरो बाहर आ गया, 100 इंटू 64 क्या आएगा, 8 हो जाएगा, और ये 49 इंटू 49 इंटू 2 कर लेंगे तो 49.71 के बाहर आ जाएगा। अब जो 2 आएगा इस 2 के साथ पेयर बना लेगा तो 2 हो जाएगा, तो ले देखे कितना आ गया, V इतना आ गया। अब देखो कितना आएगा, हाँ 112.00। ये बस समझ में आया ना, मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, दैट बिकम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से स्केप करवाना है और एक ही बार एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उसे वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, 11.2, अगर एक ही बार में देनी है तो एक ही स्ट्रोक में। लेकिन सैटेलाइट क्या होती है, लगातार एनर्जी देते चले जाते हैं, इसलिए एक ही बार नहीं देनी पड़ती है। हाँ अगर इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी देंगे, हाँ जाएगा इन्फिनिटी में भी उसके पास कुछ बचा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं, डेटा निकालना पड़ेगा फिर, ठीक। अभी इतना कर लो, सेंटर वेंटर से कर लेंगे हम लोग, हाँ।